ज़िला हरिपुर हज़ारा डिवीजन का वो वाहिद ज़िला है कि जिस दियाँ हदा तकरीबन 7-8 होर ज़िलों नाल मिलदियां। हज़ारे का बूआ अखवाने वाला यह ज़िला अपनी सोनियाई बागा डैमा जरी जिमिया ते फैक्ट्रियां कारखाने की वजह नाल मशहूर है। रोज़गार के अच्छे मौके की वजह नाल इस ज़िले की आबादी बेच भी वाधा होंदा जुलदा है, जिस नाल जरी जिमिया ते बाग उजड़ते जुलदे ने। बगैर किसी मनसूबाबंदी के आबादी बेच वाधा मुख्तलिफ मसाइल का भी सबब है। असां दा प्रोग्राम डेडी पिछले तकरीबन एक साल तो ज़िला हरिपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पिया होंदा है। अज भी असी हरिपुर के ही एक इलाके सिकंदरपुर कोल आमना शादी आल उते प्रोग्राम पे करने हैं। सिकंदरपुर हरिपुर का तारीखी ग्रां है ते इसी ग्रां कोलो छप्पर रोड शुरू होंदी है जिड़ी तरबेला झील के किनारों तो होंदी हुई ज़िला मानसेरा तक जुलदी है। कदे इस सड़क खुला किया जुले ते मानसेरा खासकर लसा नवाब ते आर्च फेरी के इलाकों तक पहुँचने वास्ते एक और शार्ट सड़क मिल लगती है। इस डेडी का पहला हिस्सा तुसां पिछले हफ्तियां देखा या अज पेश है दुआ ते आखिरी हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। के टू टेलीविजन और के टू टेलीविजन की डेडी और जनाब डेडी तो मौजूद है हरिपुर में। तुसा कदे पिछले अतारे डेडी देखी हुई तो यकीन पता उसी कदे नहीं देखी, अज ही देखते हो पे तो दसने जी कि असी मौजूद हाँ आमना शादी आल की छतों ते मानसेरा सिकंदरपुर के करीब ये जाए और इसी छप्पर रोड भी आखिर छप्पर रोड का जिस तरह मैं तारुफ ही कराया कि ज़बरदस्त किस्म का रोड है जो असं मानसेरे मिला हरिपुर नाल और तरबेला झील के किनारे नाल के खूबसूरती है इस रोड की उत्थे मौजूद हाँ। और जनाब इस डेडी का आर कीता है साढ़े जरा शादी आल है आमना शादी आल इस जो मालिक हैं इनायत अली साहब, इन्हों की मेहरबानी, इन्हों का शुक्रिया। और इस डेडी साढ़े खास तावन है जी अली स्टील कारपोरेशन जाड़ियाँ रोड नवा शहर का उन्हों का पैगाम जोड़ा वो डेडी के दौरान तुसा तक जरूर पहुँची तो तुसा जनाब कोशिश कर सकें अच्छी डेडी अज भी हो जुले तो साढ़े नाल मौजूद हैं स्वाति मामा थे पोला तो जनाब वो अर डेडी भी मौजूद होंगे तो इन्हों दी गलां इन्हों दी शायरी और जिसले आपे भी गोशे करते हैं और इन्हें नहीं पता होंगे कि कैमरे के सामने बैठे दिन नाल गोशे करते रहते हैं तो वो भी चीज़ा इन्हों दी जबरदस्त किस्म दी होंदियां ते वो तुसां तक पहुँचदियां। जनाब पिछली डेडी भी जी तारिक हज़ार भी असा सुना है साड़ी हिंदको का फखर साड़ा माण और हिंदको गायकी बिच मास्टर साहब तो बाद मास्टर हुसैन बख्श तो बाद इन्ना जड़ा ना कमाया वो किसी होरी दे हिस्से बिच नहीं आया तो बड़ी मुश्किल नाल और बड़े मिन्नतां तरलियां नाल इन्हां में अज्ज प्रोग्राम बिच आंदा तो पिछले प्रोग्राम बिच गाए ते अज्ज वी गाए इन्हां कोलों गीत माइए तुसां सुणा सां कि ये लैजेंड हन जी साढ़े ते अपने लैजेंड असां भुलना भी नहीं चाहिए और इन्हां दे कम ना सिर्फ उसकी तारीफ करनी चाहिए बल्कि बाकी लोगों तक जरूर पहुँचाना चाहिए। साड़ी कैमरा टीम जी गुलाम नूरानी साढ़े सीनियर कैमरामैन अदनान उन्होंने साथ देने वास्ते एक अच्छी डेडी रिकॉर्ड होंगी है। आडियो इंजीनियर मोहम्मद अदील भाई मौजूद हैं डी एस एन जी वास्ते डेडी जनाब वो रिकॉर्ड पर करते हैं। एडिटिंग करते हैं डेडी की यासिर जेब और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जी ताहिर जान साढ़े नाल मौजूद हैं साड़ी टीम आन इस्लामाबाद तो और प्रोड्यूसर साढ़े आते हैं मुहम्मद सोहेल ते जनाब नारे गल और भी करके ना अज खास तौर पर मौका आया तो गल कर ज़ीशान खान ते शौकत खान जी बंडी शेर खान तो ये पिछले साढ़े दूसरा प्रोग्राम में भी आए अज भी आए जनाब बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बड़ा तुम दूर ग्रां ते किरे मौका मिले तो इंशाल्लाह तुम ग्रां में भी आसा तो कोशिश कर सी गीत माइए ना एक बच्चा भी है उसको मिली नगमा भी सुनावा तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि जिस जाइए जुला उत्थे दा मुकामी टैलेंट साढ़े मौजूद हो उसका असं मौका देव चाहे वह गुलूकार हैं चाहे वह कोई नाथ पढ़ते हैं चाहे वह जनाब साढ़े कोई एक्टर हैं चाहे वह शायर हैं तो तुम अपने इलाके में बुलाओ और उत्थे दे जो टैलेंटेड लोग हैं उन्होंने जनाब उन्हें उत्थे मुतारफ कराओ। डेडी तो जो लोगों का तारुफ होया मेरे समेत मैं आपका भी आखना कि मैं मीडिया पर तो बड़े अरसे तो काम करना है लेकिन डेडी जितनी इज्जत माँ दिती है इतनी शायद माँ उस पूरे टाइम बच्चे नहीं मिली। इसी तरह डेडी तो जिन्हें लोगों का तारुफ होया तो जनाब उन्हें एक ना कमाया कि डेडी साड़ा सकाफती प्रोग्राम है और साड़ी खास तौर पर हिंदको जबान का एक नुमाइंदा प्रोग्राम है। स्वाति मामा और स्वाति मामे की गल करो दे चेहरा बोलिया नहीं मेरे दोस्तों मेरे अजीजों भैनों भ्राओ बुजुर्गो निक्यो बड़े काले चिट्टे माड़े तकड़े लैको अनलैको पढ़े अनपढ़ो
सारे मेरे प्यारे हो, चांद ते तारे हो, ते एक दो नहीं तुसी सारे दे सारे हो। जियो मामा। देखो असी हजारे विच बसने आ, ते गमां विच रोने आ, ते खुशियां विच हसने आ। देखो अपने इलाके दे ग्रां मैं इत्थे ते माई दरवेश है। आए 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 आए। मैं इत्थे ते माई दरवेश है। ऐ जा मसला कोई दरपेश है कि हुण तक नहीं आया साईं करमा मारी दा। अल्लाह सोणा शर्म रखे उस शर्मा वाली दा। वाह वाह वाह। कोई मजा मेरा खाले सुनाओ जी। जरा सुनानी है जी, मैं ही सुना सा, बाकी छोड़ चुप कर ला। आदा मैं इत्थे ते माई मेरा सिरिए सिरिए। ओ क्या पागले वांगण फिरिए, रोजी रब देसी किसे बन्ने उते बह रहे सा, ते माईए दी बाहां ते सहर आके सहर हो सा। वाह वाह। रोजी रब देसी। ते मैं तारक साहब दे आबद शाह ट्रिब्यूट पेश कर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आदा मैं इत्थे ते माई मेरा डोइयां डोइयां। मैं इत्थे ते माई मेरा डोइयां डोइयां। सोहणे नक्शे ते चंगियां खुइयां, ओ घोल के पी गिंदा जदो हस के मिलदा है। ए कमला दिल साडा उसा देख के खिलदा है। वाह 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 वाह। ओ कपड़े, ओ मेरे कपड़े मैले कर चुने दिया। अच्छा उस पता है के कीता? उ पता ही नहीं मारे तो उस बकरोड़ छोड़ा दसा जब रिश बलाम तुलदा। देखो जी आता मैं इत्थे ते माई चंगी बांडी चंगी बांडी। आला ओ माईया ला एक थूमे दी लांडी। लै पड़े आले आ जिथे ठंडे ठंडे चोल। माईया देख के ढोले आ असी कमला वाले। ओए माईया वाह वाह वाह। नाल नाल आता है मैं इत्थे ते माई निका पाए निका पाए। मैं जे दे माई निका पाए तेरे मिलने अम्मा बड़ी चाह है। जे गल मेरी मान के तू तो दो बसा सलीके नाल वक्त गुजारा दो असी बड़े तरीके नाल। वाह वाह वाह। अता मैं इथे ते माई मेरा चेचिया 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 ले आते ने अल्लाह वास्ते सब बटा। मैं कह ना बटाना। मैं थे ते माई मेरा चेचिया किसे बकरियां अपनियां बेचियां ते मलके रिपोर्ट कीती मेरे ढोले दे नाए थे खेत बार करा में अज गिराए थे। बहरहाल जी बहुत सारा ग्रामा ते ओगरे तो शुरू कीता है मानसेरे ओगरे। अमीन दी शादी भी गए हैं ते ओगरा दंगियो चाल के उत्ते आंदे जी। मैं क्या मैं थे ते माई मेरा ओगरे लम्मी टकी ते सिरे उत्ते बोगरे डोगया बोगरे आते ने। मैं थे ते माई मेरा ओगरे लम्मी टकी ते नके उत्ते बोगरे दंदियो चार देखा सारी पखली से ही आवे चोलन दी रोटी लसी मखण मेरा माईया ले जावे। वाह वाह वाह। गड़ला चावल उत्ते दा जाहिर सौगात है उत्ते दी। मेरे दोस्तों अजीजो ये गला में गल लग गई क्रिएटिव की डेढ़ ही है जिंदगी के मेले ने कह जो सोने वेले ने है जी आप तो इसी वास्ते हम थोड़ा एक मैं आखना मजा ही है नजम जी वो जरा अपने नाजरीन की नज़र कर चढ़ा के जिधरों जनाब साढ़े कमांडर इन चीफ साहब का भी आर्डर है कि मजा ही है नजम जी है कि वह होनी चाहिए। तो नजमें तो बहुत सारिया ने हम कपड़े की दुकाना में बड़ो तो रंग रंग थान लगे तो होंगे ने समझ नहीं आती है कि ना कि हो के ना कि हो के ना। बहरहाल कोई भी कहन के बाद जो सीढ़ के लासो तो उस वेले सोना लगसी ये गल नहीं जी। तो सुनाने जनाब बेली मेरा ख्याल है अज सुना छुड़ा इना मंजी वाला सुनो जी। मंजी दवाई वाला मंजी दवाई सुनावे जी। तारक साहब किसी जिम्मेदारी की मंज बु बीमार ही तारक साहब सुनो स्पेशल तो साहब किसी जिम्मेदारी दी मन बु बीमार ही खांदी पींदी कुछ नहीं ते बदी होई घर ही। वाह जी। जड़ा उरा पर फिरे बड़ा परेशान किंजी उस मुसीबतां तो छुटे मेरी जान। किसी उस आख्या सियाने कोल जा एवें जाई जाई तू बुझारता ना पा। मन तेरी बिल्कुल ठीक हो जासी ठीक भी जिंजू बटे उते लीक हो जासी। वाह जी। नाल दे ग्राह एक बंदा मशहूर है थोड़ा जहा उस ते ग्राएं को दूर है उस जाके आता है मन बू बीमार है खांदी पींदी कुछ नहीं टाकुए दी मार है ओए सठे धारे आंदी है ते बहु नुकसान है ए खावे पीवे खोल के माए अरमान है। उस आखा मंजी के कुछ पहले तो दिता ही टाकुए दे दारमी ना तुदा कुछ पता ही अदो के उस देवा वो किंदी नहीं
गोली जी का माई मेरी मंदी नहीं ओपिनी भी नहीं गिनती नला भी नहीं गिनती पुठा भी नहीं गिनती खला भी नहीं गिनती नले अपराध के बाहर साल छोड़ दिए सारी मेरी जो इजार कर कर छोड़ दिए आए सारी मेरी साखा समन गई में गला और दसना तुदा गल समन गई मैं गला दसना तुदा गल नला उसा देख दे दे तेरा मसला हल तुदा हुण मैं लिख के देना थोड़े अगले कोले जाके तू शहरों आल सारे थोड़े थोड़े सारा कुछ कुट कुटा के काला एक बड़ा अंदर बन के मंजिया दे नलिया नाल चढ़ा बिल्कुल काली जीरी सुन मलठी तुम्बा ते अजमैन ते मोड़िया सोए आलियो गोड़ ते सोफा नाल शनैन पिछले पासों कर के तू एक मोरी नला दे के फूक मार जितना अंदर जोर ही नले दे पिछले पासों कर के तू एक मोरी नला दे के फूक मार जितना अंदर जोर ही इस तरह फिर दारू सीधा मैं दे दे जासी नालो नारी मैं तेरी पे खोल के अर्चा खासी नालो नारी मैं तेरी पे अर्चा खोल के खासी उस जने ने चेट पड़ी दे लिखे हुए ने कोड़े जाके उसने शहर वांदे सारे थोड़े थोड़े सारा को जो कोट कटा के काला आन बढ़ाया ते अंदर मन के मंजिया ते नलिया नाल चढ़ाया हजरी पता लगे मंजी अल्लाह बहुत बीमार है हर जगह देख ले जानदा पे घर हजरी पता लगे मंजी अल्लाह बहुत बीमार है हर जगह देख ले जानदा पे घर है ओ सेना किसी कमे कातो मारो आया ओ भी उसे पुछल पालो उसके घर में आया अगे देखे जना जनाब जना सुजिया पुजिया होया पीला जरूर किया होया सुजिया पुजिया होया जी गल शल कोई नहीं करता रंग शंग उड़िया होया उसे जाके पुछता दस नला किंजू दिती जिंजू मैं समझाया तू तो नला उंजू दिती अदा नला उसे दिता है गड़ी कूक कट मारी है मेरे को पहले मंजी फूक कट मारी है मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जनाब डेडी अगे बताने और साढ़े नाल बैठे दिन जी डेडी दे अज दे आ रही इनायत अली जी इनायत भाई पहले तो असं जनाब पहली डेडी पर गल की कोरोना के हवाले कोरोना की मुश्किलात के हवाले डेडी दल करो जी तुसा एक डेडी असं तुसा टी आई पी आला तुम्हारा शादी हाल है उत्थी उत्थे स्वाति मामे एक नज़म पढ़ी गई कि जिस हजारा नहीं देखे और जमया नहीं मिलियनस लोग मिलियनस एंड मिलियनस लोग देखे बड़ा मजा आया उस डेडी का और डेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई ईद का दिहाड़ा है खाले वाले बंदी सब प्रोग्राम किया है उस खासे अरसे बाद इतने फिर अच्छे डेडी बुलाइए के आखते हो डेडी प्रोग्राम के बारे में जी डेडी तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे हजारे हैं बहुत अच्छी लगती है तो मैं हर प्रोग्राम देखना तो इस वास्ते मैं दूसरी तीसरी डेडी पर रखना जहर अच्छी लगती है तो बार बार मैं दावत देना तो मैं अगले हफ्ते आए दिहाड़े मतलब फिर तुम गुजारिश कर सकते गर्मिया के ग्राएं बच्चे ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੋਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਡੀ ਗਾਂਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਰਾਜੁਲ ਦਾ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੋਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਮਾ ਪਿਆ ਆਖਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਮਤਲਬ ਡੇਡੀ ਵੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਖਾ ਸਕ बहुत तुम्हारी मेहरबानी और तुसा जो लोग और खास तौर पर लोग डेडियां बुलाने उन्होंने खास मेहरबानी कि तुसा की वजह तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना हिंद को बोलने वाले उन्होंने एक तफरी में जुदी है खास तौर पर जो लोग सारे अरब ममालिक यूरोप बिच अमरीका बिच उन्होंने लोगों अच्छी मतलब अपने हिंदुओं के प्रोग्राम सुनने देखने से मिल जुलते हैं बल्कि मैं एक गल कर और शायद किसी प्रोग्राम में मेरे को रह गई इन्नी का रखी असल पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान होंगे नईम गुल तकरीबन 80 to 90 के दौरान वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं अपने बाद उन्होंने तलक है वो जर्मनी में होंगे अजकल उसे किसी काउंटी के कोच भी हैं उन्होंने बेटा भी जर्मनी टीम के फुटबॉल खेलता है बड़ा कमाल के फुटबॉलर है पी आई ए के भी कप्तान रहे और पाकिस्तान टीम के भी वो एबटाबाद आए थे तो उन्होंने आखिया यार मैं एबटाबाद आए थे मैं किसी डेडी प्रोग्राम पर बैठा मैं आख्या क्यों नहीं भाई के गल है मेरी टीम के भी कप्तान है जिससे मैं खेलना है तो आखन लगे यार तुम डेडी प्रोग्राम जर्मनी में भी लोग देखते नसल दे पाकिस्तानी तो उन्होंने चाहे वह पंजाब ना तल के किसी और लेकिन डेडी बहुत पॉपुलर है तो यही वजह है कि जो लोग डेडी इतने कराते हैं उन्होंने वजह ना बहुत सारे लोगों एक अच्छी तफरी मिल जुलती है
ਸੰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖੀ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੈਨ ਕਿੰਨੀਸ ਉਰੈਨ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਓਏ ਜੰਨਤ ਤੇ ਉਰੈਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ जन्नत बड़ी है तो रहन जरा जी जन्नत छोटी है तो रहन जरा बड़ी है दो कजन है आपस में आप एक कजन फर्स्ट कजन बेटा किस क्लास में पढ़ते हो थर्ड पे थर्ड इनको पे क्या आखने हैं तीसरी या थ्री भी आखने हैं ठीक है तो दादी हैं ना दादी हैं ना माशाल्लाह दादी को बैंदे होंगे हो दादी को नहीं बैंदे हो माइक रखो जरा दादी के पास बैठते होते हो जी अच्छा अच्छी लगती है तो दादी आपके साथ कौन सी जुबान बोलती है जो अभी मैं उर्दू में बात कर रही हूँ अच्छा अच्छा चल अब मैं उनसे कहता हूँ ना कि आपसे इनको मैं बात करेंगी तब आपको आएगी अच्छा आप जरा जी जन्नत के करीब करें माइक जन्नत आप कौन सी आप तो मेरा ख्याल अभी स्कूल नहीं जा रही हो ना स्कूल जाती हो आप तो बूढ़ी हो गई हो दांत भी गिर गए हैं हैं अच्छा उर्दू में इसको बूढ़ी होना कहते हैं और हमारे इनको में बूढ़ी होना कहते हैं बूढ़ी चलो बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया सुना साढ़े चाचा मंजूर बैठे दिन जी तो नवे नवे एंकर हैं जरा माइक ना आते हो ना तो माशाल्लाह बिल्कुल जातक बन के आए थे जरा माइक नेड़े रखो ना बोलते होंगे हो जी बिस्मिल्लाह बोल जी वो मैं वालेकुम बिस्मिल्लाह तो संदाल क्या चल नहीं मैंने कहा जरा मेरी तारीफा तो चार एक आधा घंटा हो फिर मैं बोला अच्छा इथे मैं प्रोग्राम पे करना है ईमानदारी पूरे पे ना एक सिंगर है ते ओ जनाब ओना दा मैं तारीफ कराया थोड़ा जा तो बाद मेरे को ला रहे ओ लड़ाई दे मूड विच आ रहे आहन लगे जी तुसा मेरी तारीफ नहीं कीतीया ते मैं उसा है मैं तेरी के तारीफ करा यार मैं दस दे से नहीं तुसां ते मेरा पता है ना कि चाचा मंजूर तुहाडे नाल पिछले 20 सालां तो चलदा आ रिहा चाहे तारीफ होवे ना होवे कुछ कहो या ना कहो भोले दी ते तुसां पता है ना आदतां दा इसे ने जिहड़ा ने सारियां गल्लां अज कीतियां ने हालात और वकियात दे मुताबिक समझियो ना ते एंकर के अदाकार भी बढ़ा सटिया सैंकर भी बढ़ा सटिया ते अलहमदुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया ने ते अलहमदुलिल्लाह तुहाडियां दुआवां नाल ते कुछ तुसां कोल भी सिखिया ना मेरे को वैसे के सीखे तुसा को किसी अच्छे बंदे नाल बैठ के गलबात करना किस अंदाज नाल करना किस तरह बोलना स्टाइल तुसा के नाम दस ना वो करदे नहीं है ना वो इधरों सीखे ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਬੋੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੜਾਈ ਬੋੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਈ ਬੋੜੀ ਦੀ ਬੋੜੀ ਆ ਤੇ ਬੋੜੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੋੜੀ ਦਾ ਬੋੜੀ ਦਾ ਬੋੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬੜਾਈ ਤੇ ਬਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਏ ਆਏ ਬੋੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੜਾਈ ਤੇ ਬਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਦੇ दो चार एक इंटरव्यू भी हो गए ने एक चवी पंजी एक और भी आ मंजूर भाई मसा ने बहु प्रोग्राम देखे ने जी जी ओ तुसा बहु बहु गला देखे ने पर अल्लाह दा फजल नहीं समझ आई नहीं आई ना नहीं आई ते उस ओना प्रोग्राम दोबारा एक एक दफा देखो तो इंशाल्लाह तुसा समझ आसी तुसी डाडे एंकर आखो जी मेरे लेवल हम पहुंचे हो ते समझ आसी ना हां मैं हर आदमी नहीं समझ आंदी बिल्कुल थोड़ा पढ़ लिख के नो समझ आवे असल में इना दी एकेडमी असनी चाची है एकेडमी उसको से क्या नाम तक रहे एंकर आरएमए रन मरीद एसोसिएशन दे जनरल सेक्रेटरी और सदर हैं जनरल सेक्रेटरी है ना यकीन काचो रन मरीद की मुक्ति आसन ने मंजूर खुदा की कसम जा के आता जी सुबह बहन पहले तो इन्हों का कथन टंगा दुबाने राती जुड़ के मतलब खिदमत कर दें जरा उठ चलो तो यकीन कर सो जी 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 ना करी तला लम्मी हो रही बुक जी कोई खिदमत है मैं कर सो अच्छा मैं इसका जवाब देना ओ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अब कदे भी नहीं कीता तो मैं उसकी जो मनी नहीं ना कदे उस आख्या सिर दबा दे मैं कदे नहीं दबाया क्योंकि
ਤੰਗਾਂ ਦਬਾ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰੋ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਉੱਠਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ जी नादरीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा इस डेडी विचार करते आखने जी गपशप की डेडी है और चाचा मंजूर नाल मैं ब्रेक तो पहले गल पे करना है जी जनाब तुसा नाल गल मुकामा फिर अगे भी पता नहीं तो दो मिनट गलां कर के ना फिर मुकदियां वसन तो गल फिर के अगली डेडी तक फिर करना तुसी ते नहीं हो नहीं अच्छा ये जड़ा शौक होंदा ना शीशे ते आ जुले आदमी एक बार हां हां जी ए फ्रेम दे उते किसी जोगा नहीं छोड़दा खोता घूम गया है मेरे नाल चले गए फिरदे चिड़िया घर है तो उसे जेबरिया पे आते ने है देखना ट्रैक सूट पा के ते साडे नाल ड्रामे हुण इतना भोला बनया है फिर खोते उते ट्रैक सूट पे दा है उजड़ा आलमगीर ना बाली ना आखते मिजा खास तौर से कॉमेडी करते रहे हो ना पेशावर दो ड्रामे करके आए हैं ईद मनाए साथ साथ और ड्रामा फैंटास्टिक फोर समी खान प्रोड्यूसर है उस तो बाद भी मतलब एफ्टाबाद भी जुलते रहे हैं ड्रामे ऐसे नहीं एक दफा के टू शहर बुलाया गया तो उसके अलावा दियारियन प्रोग्राम है उस भी बैठा मैं चलो अच्छी गल एक्टिंग तो अलावा की करते हो एक्टिंग अलावा साफत करना अच्छा साफी भी आओ नाल अच्छा माशाल्लाह प्रिंट मीडिया दे जी प्रिंट मीडिया भी है और अपना चैनल एक बनाया है सोशल मीडिया अच्छा अपना चैनल भी है जी, चलो जी अल्लाह करे अल्लाह सुहा कामयाब करे ते डेडी प्रोग्राम दे बारे पे क्या आपसो डेडी आज पहला मेरा मतलब तजुर्बा होया जी अच्छा पहली बार आए हो जी पहली दफा है देखता रहा ना लेकिन कदे मौका नहीं मिला आने दा मेहर समाप भाई काफी अरसे तो मास्ते रहंदे लेकिन केरी मसरूफियत ने कोल आंदी फिर नहीं आणो हुंदा अज चाचा जी आए ने स्पेशली मंजूर चाचा इन्होंने आया जी जुलना है हालांकि इन्होंने वाइफ का अज ऑपरेशन होया था अस्पताल ने बेचारे उन्हें छोड़ के इतने आए ਤੁਸੀਂ ਡੇਡੀ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਸੋਲੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹਲਕਾ ਜਾ ਤੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰੀਪੁਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਰੀਪੁਰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਾਰਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਦੀ ਘਰੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਓ ਗੁੱਡ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਾ ਘਰੋਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲਗਾ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ 30 ਪੇ 4 ਆਊਟ ਆਤਾ ਓ ਗੁੱਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤਰੀਆ ਦੇ 4 ਆਊਟ ਹੋ ਤਾ ਕਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਹੀ ਕਰ ਚੁੜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਲੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡੇਡੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ ਘਰ ਜੁਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਰ ਕੰਮ ਜੁਲਨੇ ਦੇ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਠਹਿਰੇ ਡੇਡੀ ਪੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖ ਜੁਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਡੀ ਵੇ ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮਾਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਗੰਜੇ ਕੀ ਹੋ ਜੁਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਕਟਰ ਮਿਸ ਕਰਾ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਸੇ ਆ ਜੁਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੋ 4 ਮਿੰਟ ਰੋਲ ਕਰੋ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜੁਲਦਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਟਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਨੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਬਾਲ ਟਹਿ ਗਏ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖੋ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ
क्योंकि प्रोफेशन के तौर पर लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे तो सारे मुल्क ये हालात हैं जी। बहर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। और तुसा दे शौक तो एक गल मैं याद आ गई, मेरा ख्याल कर कि फिर गाने वाले पास चलने जोड़े लोग जो बड़े साढ़े मतलब प्रोडक्शन खास तौर पर लाहौर कराची के वह साढ़े आर्टिस्ट हैं जोड़े जी वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। तो आर्टिस्ट किसी भी इलाके का हो आर्टिस्ट हों तो कदम साढ़े इलाकों में आते हो तो साढ़े आर्टिस्टों मौका दया करो तो उत्ते तले उत्थे अपने इलाकों के लोग कराची के लाहौर के तुम कास्ट करते हो। कई लोग उन्होंने रोलों में फिट भी नहीं होंगे तो उन्होंने कास्ट करके दौ तो इतों भी कदम कास्टिंग कराया करो। एक दिन रोज़गार लगे दूगा दूगा लोगों का अच्छी अच्छी वरायटी देखने से मिले। साढ़े तारिक हज़ार भी बैठे थे जनाब, तारिक हज़ार भी गुरु सीत सुनाने और उस गीत तो बाद इस डेडियाँ फिर अगे बदसा सी। आओ तारिक साहब बहुत शुक्रिया तारिक जारी साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़े अरसे बाद आए हो लेकिन वो आखिर आए हो तो छा गए हो तो तुम को जनाब अज डेडी चोर गीत मैं ये भी सुन स जनाब डेडी डेडी सा जा रही है जी हरिपुरे बच्चे और हरिपुर में असी आमना शादी आल की छत पर मौजूद हाँ। तो इस डेडी वास्ते खास तौर ने साढ़े नाल आमना शादी आल के जोड़े मालिक हैं इनायत अली साहब और एबटाबाद का इकदार है जी अली स्टील कारपोरेशन जाड़ियाँ रोड नवा शहर एबटाबाद। इन्होंने दोवों का तावन हासिल है, तुम अपने इलाके में बुलासो तो इंशाला असी तुम इलाके भी आसा और उत्थे भी एक अच्छी डेडी वास्ते कर सा। कल का थके बधाने साढ़े सूबेदार फिरदौस खान बैठे दिन जी तो न्यू जोड़ा पिंड तो आते हैं। जनाब सूबेदार साहब तो संजीदा हो जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये दस रहा कि मास्टर हुसैन बख्श मेरे उस्ताद मोहतरम आए, मैं आखिर तो मैट्रिक नंबर वन हाई स्कूल भी की थी, उन्होंने खुशबू और लज्जत और मिठास माहौल तक भी याद है और अज थोड़ी जी उन्होंने बच्चे मिल के इस डेडी के प्रोग्राम के मुताबिक अज होर खुशबू ताज़ा हो गई। दूए नंबर से तारक हज़ारा बोंबड़ा ना आ 8 मार्च 2016 में नंबर दो स्कूल को मलक मैरिज हाल में प्रोग्राम किया इन्होंने और उस प्रोग्राम में मेरे वालद साहब भी आए तो वह याद भी आई ताज़ा हो गई। और मैं शुक्रिया अदा करना इस K2 TV का जेड़े बिछड़े लोगों जेड़े पुराने लोगों बुलाई आपे बच्च इस सारे प्रोग्राम का सेहरा काशो मलक जुलद है। काशो मलक साहब की अपनी जगह तो एक बहुत बड़ा मुकाम है, स्वाथी मामे का अपना बहुत बड़ा मुकाम है, भोले भाई का बहुत मुकाम है और मेरे पूरे टीम देख रही है रिपोर्ट दी उन्हां दा अपना मुकाम है। मैं ना सारा तय दिल नाल सलाम पेश करना। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। और तुसा ना कि तारिक हज़ारी दा और तारिक हज़ारी दा उस्ताद मास्टर हुसैन बख्श कोसर और मास्टर हुसैन बख्श कोसर दे बेटे असां कोल मौजूद हन जी मोहम्मद इरशाद इन्हां दा नाम है। क्या हाल है जी? जी खैर ठीक हो जी माशाल्लाह। तुसी कल्ले बैठे हो उन्हां दे? मेरे तो बड़ा भरा है फौत हो गए। अच्छा फौत हो गए, तुसी हुण हरिपुर ही रहंदे हो? जी हरिपुर। नवां शहर छोड़ आए हो? छोड़ा है। हालांकि नवा शहर के जो वसनीक हो अपने इलाकों से नहीं छोड़ना चाहते, किस तरह छोड़ आए? बस तकदीर के मामले ने उसे कार शार बेच छोड़ा है? बेचे नहीं, केस लगे थे। अच्छा बुजुर्गों की कैसटा वगैरह हैं सब को? हाँ जी बड़ी कैसट भेज, मेरे आडियो कैसट की दुकान ही पुराने अड्डे। अच्छा 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 मेरे को अच्छा चलो तुम कैसटा कि गाने दोबारा उन्होंने करसा तो तुसा जनाब जाहिर उसके बुजुर्ग है वाले दे ते तुसा आपे भी तो शौक होया उसी गाने का? शौक है जी। जरा माइक नेड़े करो जी। शौक है बस रह गया हूँ नहीं आता। चलो कोई एक अद माइया सुना छोड़ो ना, एक अद माइया कद सुना छोड़ो। टुकलावाने टुकलावाने जिस वेले याद आवे छुरी लगे कलेजे फुल पावे चुनिया फुल पावे चुनिया अल्लाह कोलो नहीं मंगया रुल जावा रुल जावा वे दुनिया ते। मास्टर साहब की याद आ गई जी, मास्टर हुसैन बख्श कोसर सारे बहुत बड़ा ना है साड़ा
ते अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आ जाए। जाहिर है जिहड़ा बंदा इस दुनिया च आया उस सिले जुलने रहना किसी भी नहीं यादा रह जुलदियां। तो इन्हों के वारिस साहब जो ना कमाया उस दौर पर जो ना कमाया इन्हों का अज तक उन्होंने ना पे चलता है। तो आडियो की दुनिया भी खास तौर पर और माइया में जिस शुरू में भी गल की कि उन्हें तो अच्छा किसी ने गा किया, फिर उस तो बाद सिलसिला चलिया, तारिक आए, तारिक तो बाद और बहुत सारे कुछ सिंगर आए। तो अल्लाह तुसां खुश रखे जनाब। और डेडी प्रोग्राम की यह भी सुने आई है कि डेडी प्रोग्राम मतलब किजे किजे लोगों के किजे किजे जनाब छपे के लोग सामने के आंदा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी ख्वाहिश है सर मैं डेडी प्रोग्राम में शिरकत करा। अल्लाह ताला ने आज पूरी कर छोड़ी, अल्लाह पूरी करदा जी। और तुसा इंशाल्लाह मेरा वादा सो नाल कि तुसा किसी और प्रोग्राम पे बुलासा सकर जान सारे माइए सुन सा, तुसी अपने माइए तैयार करके रखो इंशाल्लाह सकर सुन सा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। इथे एक बच्चा बैठे था जी, कलीमुल्ला ना है उस बच्चे का, तुम्हें हर कोई मिली नगमा आ बेटा इधर। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसारी कर दूँ, मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसारी कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसारी कर दूँ, मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, खिजा से तुझको बचा के रख बहार तुझ पे निसारी कर दूँ, खिजा से तुझको बचा के रखूँ बहार तुझ पे निसारी कर दूँ, मेरे वतन तेरी मुहब्बत में मौत आ ए तो इससे बड़ी कर नहीं है ख्वाहिश, तेरी मुहब्बत में मौत आ ए तो इससे बड़ी कर नहीं है ख्वाहिश, ये एक जान क्या हजारी हो तो हजार तुझ पे निसारी कर दूँ, मेरे वतन। माशाल्लाह कलीमुल्ला, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा अच्छा तुसां गीत पेश कीता। एक बुजुर्ग आदमी बैठे दे जी साडी डेडी विच, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, तुसां दा के नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा खान। माशाल्लाह जी शहजादा खान, कितनी उम्र है तुसां दी बुजुर्गो? इस वक्त 60 साल है। अच्छा, मैं हाँ ज्यादा है 60 साल ते स्वादी मामा 85 साल दिन तुसों कोलो निके लग दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुसी क्यों बीमार हो या उम्र भूल गए हो अपनी? जी नहीं बीमार हां जी। अच्छा अल्लाह मेहरबानी करे। आमीन। अच्छा चलो अल्लाह सेहत देवे। डेली प्रोग्राम देखते हुंदे हो जी? अच्छा ठीक लगदा प्रोग्राम जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज दसो ना केड़ी, इस पे और चीज असि शामिल करा? इस वे माइए तुसी शामिल कर सकते? माइए ते जान सारे हुंदे ना, और भी करा करा जी? तुसा आपे माइए आंदे? नहीं जी। जी नाजरीन डेडी का दूआ हिस्सा भी जनाब तकरीबन नेड़े लग गया, मुकने ही आला है, आखिर तुसा गीत सुना होंगे। लेकिन ये भी दसा जी, एक दो गल आखिर करना, एक खास तौर पर जी उड़ी एक शहर है मकबूजा कश्मीर का, तो असी तो हमेशा ही आखने कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह करे साड़ी जिंदगियों में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अब्दुल अमीदन जी उतों कॉल करते होंगे, तो प्रोग्राम साड़ा वो देखते हैं, तो प्रोग्राम पसंद करते हैं। इस तरह मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर वाले तक सर रबता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो रबता बहुत घट होता है। तो जनाब तुसा वास्ते भी खास तौर पर जी नेक तमन्नावां दा इजहार किया है साढ़े हर्ष मल्होत्रा नई दिल्ली तो, मैं उस दिन उन्होंने कॉल की है, तो उन्हें वो डेडी प्रोग्राम साड़ा देखते हैं, आते में सैकड़ों के हिसाब से डेडी प्रोग्राम देख रहे हैं। जनाब जितने भी लोग देखते हैं उन्होंने मेहरबानी, जरूर बुलाओ। तो तुसा इंशाल्लाह मुलाकात अगले तारियां जरूर होसी। तुम अपने इलाके में कदम बुलाना चाहते हो डेडी, हाँ स्क्रीन पर एक नंबर तुम नज़र आता है, इस नंबर पर कॉल करो, साडे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रबता करो, इंशाला असं तुम्हारे ग्रां में भी आसा। तारिक हज़ारी को आखिर से गीत सुनो, तो काशिफ मलिक सारी डेडी टीम ने दो इजाजत, अल्लाह सोने के हवाले।
चने दी